welcome back to the channel. This is Raj and we are going for a ride. So this video is not about adding any modifications or the accessories onto the motorcycle. We are delighted to be riding together and let me introduce the people for this ride. पहचाना इसको प्रेम मेरा भाई दोनों भाई लोग ये कि हम लोग राइड कर रहे हैं टूवर्ड्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस वेरी वेरी सीरीन वेरी काम सो दैट इज कोटागिरी बहुत ही बढ़िया सा जगह है एंड इट्स कम्प्लीटली सराउंडेड बाय अ टी प्लांटेशंस तो बहुत ही मजा आने वाला है तो हम लोग घर से निकले थे अराउंड लाइक 5 o'clock और उसके बाद वी वेंट टू माई ब्रदर्स प्लेस उसके वहाँ पे लगेज वगैरह कलेक्ट किया था देन वी मेट प्रेम और उसके बाद हम लोगों ने राइड करना शुरू किया था वी थॉट ऑफ यू नो हैविंग द ब्रेकफास्ट समवेयर बिहाइंड बट बिकॉज ऑफ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर द रीजंस तो उसके वजह से हम लोगों को काफ़ी लेट हो चुका है द टाइम नाउ इज लाइक 8:15 और समथिंग अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ से आगे निकलेंगे पूरी पूरी प्रेम को पूछा मैंने कि शेयर करेगा इडली बोलता है कि नहीं पूरी खाएगा बस पूरी गाइस तो ब्रेकफास्ट हो गया है एंड वी आर हैविंग अ गुड कप ऑफ टी कुछ ना कुछ तो ब्रेकफास्ट मिली हम लोगों को बहुत काफ़ी देर से हम लोग ढूंढ रहे थे कि ब्रेकफास्ट कहाँ मिलेगा एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मॉर्निंग 7 o'clock हमने बोला कि ब्रेकफास्ट कर लेते ताकि हमको अंदर जाने के बाद थोड़ा इंटीरियर जाने के बाद मुश्किल नहीं होगा ठीक है ये भाई साहब को समझ में नहीं आया तो हमको दौड़ाते दौड़ाते लेके आ गए गाड़ी और 100 किलोमीटर होने के बाद पूछे थे कि भाई ब्रेकफास्ट का क्या ख्याल है बोलता है कि अभी करना है क्या अभी करना है मतलब तब से ढूंढे जा रहे ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर हम लोग राइड करके यहाँ आने के बाद कुछ ऐसे जगह पे हमको मिल गया ब्रेकफास्ट ठीक है काफ़ी ठीक ठाक सी है तो ब्रेकफास्ट हो गया है तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट पॉइंट से निकल गए हैं एंड वी आर राइडिंग टूवर्ड्स कोलेगल नाउ कोलेगल यहाँ से कुछ 32 किलोमीटर्स कुछ दिखा रहा है और लेट मी करेक्ट द टाइमिंग अभी ऑलमोस्ट 9 o'clock हो रहा है दोस्त घर से निकले थे 5 बजे फिर ऑलमोस्ट अभी तक हम लोगों ने 122 किलोमीटर्स कुछ कवर किए हैं तो ड्रोन शॉट्स वगैरह निकाले हम लोगों ने जैसे कि आपने देखा होगा ऑलरेडी तो इसके वजह से थोड़ा लेट हुआ है और उनको बोलते करिए और लाइक अनदर 230 किलोमीटर कुछ रहेगा तो हम लोग सुपर हो जाएगा क्योंकि हम लोग तो पता है ना आपको मस्ती करके वीडियोज बना के अच्छा अच्छा ड्रोन शॉट्स निकाल के फिर जाएंगे जाके मतलब वैसे करना भी क्या है ज़्यादा वहाँ पे इट्स ऑल अबाउट लाइक यू नो मेक एडिंग एज मच वैल्यू एज पॉसिबल व्हेन वी आर ऑन द रोड पता है ना फोटोज कहाँ पे देखना है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पे आ रहा होगा तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो ज़रूर फॉलो करिएगा आप लोगों को शिवन समुद्रा जाना है जो कि यहाँ पे एक वाटरफॉल है तो ये ब्रिज होके आपको जाना पड़ेगा तो वी आर ऑन टू दैट रूट नाउ मैं गया था मतलब 2-3 बार इट्स अ वेरी गुड वाटरफॉल पहले मतलब अंदर आपको नहाने दिया करते थे बट अभी मतलब आफ्टर सम इंसिडेंट्स दे हैव एक्चुअली स्टॉप्ड पीपल गेटिंग इनटू द वाटर तो अगर आप लेफ्ट जाओगे तो आप शिवन समुद्रा चले जाओगे सो वी हैव टू गो टूवर्ड्स दिस साइड इसी तरह से आप जाओगे तो आपको बिहार हिल्स भी मिल जाता है वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू राइड इन बिहार हिल्स एक फॉरेस्ट एरिया है मज़ा आता है ऐसे रोड्स में चलाने का पेट्रोल इज 108 रुपीज हियर इन कोलेगल ओके सर 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 कार्ड इन कोलेगल एंड वी जस्ट रिफिल्ड आवर बाइक्स मेरे बाइक में पेट्रोल है वैसे मेरा भाई का पेट्रोल ख़त्म हो गया है बिकॉज उसने कल निकलते वक्त भरवाया नहीं था तो बिकॉज ऑफ विच हम लोगों ने सोचा कि अगर पेट्रोल भरवाते हो ना ट्रिप में तो सब एक साथ भरवा लो ताकि एक दूसरे के लिए रुकना नहीं पड़ेगा बार बार नहीं तो क्या होता है कि आप भरवाओगे दूसरा नहीं भरवाएगा फिर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा आपके लिए वो वेट करेगा
डजंट मेक सेंस। अब जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग सीधा रास्ते से नहीं जा रहे हैं, सो वी आर टेकिंग अ बिट ऑफ अ डिटूर काइंड ऑफ अ थिंग एंड दैट्स हाउ वी आर एक्चुअली मूविंग। मैं आपको पूरा रूट बताऊंगा, लेट मी सी यू नो हाउ दिस रूट वर्क्स आउट टू बी। अगर ये रास्ते से जा रहे हो तो आपको मतलब सत्यमंगलम जो रास्ता है फॉरेस्ट उसके अंदर से होके निकलेगा ये, मतलब मेरे दोस्त ने कहा था। He said that you know this is going to be a very scenic route। तो दोस्तों हम लोग अभी ऑलमोस्ट सत्यमंगलम के रास्ते पे आ गए हैं। वी हैव क्रॉस्ड कोलेगल, कोलेगल से होके जैसे कि मैंने मैप में बता रहा था आपकी कि आपको एक डिवेशन मिलता है, तो वो डिवेशन लेके आपको अंदर की तरफ जाना है। यहाँ से सत्यमंगलम आई थिंक 103 किलोमीटर है, जो कि दिखा रहा है 2 hours 45 minutes ऑफ अ टाइम। तो यू कैन इमेजिन कि कैसा रास्ता होने वाला है। यू कैन सी द रोड बिहाइंड, इट्स नॉट वेरी गुड बट यू विल हैव अ टू लेन रोड थ्रू आउट। और यहाँ पे मतलब बहुत गर्मी लग रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर रुक के थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे, पानी पिए हम लोगों ने। और लेट मी शो यू द बाइक्स, मैंने आपको अभी तक बाइक्स नहीं दिखाया है। सो लेट मी स्टार्ट ऑफ विथ द फर्स्ट वन, ये प्रेम का डोमिनार एंड उसने रिसेंटली ये टॉप बॉक्स खरीदा है फ्रॉम दिस इज़ फ्रॉम जीवी, सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम। एंड दिस इज़ माय ब्रदर्स डोमिनार, द पैनियर्स लोडेड बाइक and the KTM 390 Adventure with the GV panniers completely loaded. The only thing missing from this bike is the top rack, two Dominars and the 390 Adventure on towards the Kotagiri. बेहतरीन सा रोड है, आप देख सकते हो यहाँ से पूरा ऊपर जा रहे थे रोड, मतलब आई थिंक ये पूरा फॉरेस्ट एरिया ही है। हर जगह बोर्डिंग लगा हुआ है, जैसे वाइल्ड लाइफ एरिया, ऐसे आ रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं। बेहतरीन, बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेन को तो पकड़ नहीं पाएंगे अभी, वी एक्चुअली लव दिस काइंड ऑफ रोड्स। Just check out this landscape, guys. Beautiful. It's such a vast landscape. Check out this side also. We just, I think, entered the forest route now. There's been a checkpost behind, but the route has been amazing so far. I mean, right from the time when we have taken the detour from the Kolegal.
सो वी हैव एंटर्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। जैसे कि मैंने कहा पूरा रास्ता बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली मुझे अपना दूसरों का बैटरी चेंज करना था तो इसीलिए मैं रुक गया। चलो भाई कंटेंट बनाने में मेहनत तो लगता है, शॉट के लिए रुकना पड़ता है, बैटरी चेंज करने के लिए रुकना पड़ता है, कभी कभी GoPro हैंग हो जाता है तो उसके वजह से भी रुकना पड़ता है। तो ये सब मतलब कितने सारे काम होते हैं, ठीक है। और भाई आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि चलो मेरा एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। सो अभी कुछ दोस्त लोग मिले हैं और अपने बाइक के साथ थोड़ा फोटो शोटो लेना चाहते हैं, उनको भी कुछ कर देते हैं। भाई देखो कितने कुछ लिख रहे हैं। नहीं मैं नेम नेम ईशांत ईशांत अशोक कुमार अश्वत कुमार महादेवन और ये सारे यहाँ पे मतलब लोकल्स हैं। हैप्पी आ आगे देखो क्या पता है, क्या नजारा दिख रहा है। तो यहाँ पे लोगों से हम लोगों ने पूछे हैं कि जा सकते हैं या नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ब्लॉक कर दिया गया है, बट फिर भी हम लोग जाके देख लेते हैं अगर सही में ब्लॉक, क्योंकि पीछे अगर जाना है तो जितना रास्ता भी हम लोग वो मेन रोड से अंदर ले आए हैं उतना ही रास्ता फिर पीछे जाना पड़ेगा। इधर सर कोटगिरी 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 सत्यमंगलम ई रूट ले लवा ई रूट अकड़े ई रूट इल्ले दी रूट इल्ला इदोड लास्ट ಅದು ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಓ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ 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 ಸೇಮ್ ರೂಟ್ ಸೇಮ್ ರೂಟ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಠೀಕ್ ಚಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಚಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। पीकॉक और सांप पीकॉक और सांप पीकॉक और सांप। सो ये रास्ते से आके हम लोग लेफ्ट लेक के अंदर गए, वापस आते वक्त फिर यही लेफ्ट लेक के बाहर आ गए। तो बेसिकली अगर आप वो रास्ते से आ रहे हो तो डायरेक्ट जाना पड़ेगा। सो वी हैव क्रॉस्ड द फॉरेस्ट एरिया एंड वी हैव जस्ट स्टॉप हियर फॉर सम रिफ्रेशमेंट्स बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 2 हो गया है एंड भूख भी बहुत लगी है। यहाँ पे रुके हम लोग, वी वॉन्टेड टू हैव समथिंग हियर बट उनके पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो, लेकिन जल्दी से कुछ खाएंगे, कुछ खा के निकलेंगे क्योंकि सुबह से हम लोगों ने अच्छा ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। लेट्स सी व्हाट्स अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है। हाँ ओके हाँ क्या है इसमें आदित्य, ये मैंगो है और कुछ फ्लेवर नहीं है। नहीं नहीं जो भी ले लिया हम लोग मैंगो वो वेनिला फ्लेवर है। हाँ वेनिला दे दो यार, एक वेनिला फ्लेवर है, दोनों मिक्स है। मिक्स है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ से कुछ रिफ्रेशमेंट्स ले लिए, वी हैड केक, उसके बाद वी हैव हैड इन व्हाट क्रीम बन, उसके बाद चाय भी ऑर्डर कर लिया है हम लोगों ने। और ये तो भाई साहब लोग यहाँ पे बैठ के इंस्टा स्टोरीज वगैरह अपडेट कर रहे हैं और मैं हूँ कि थोड़ा थोड़ा कुछ शूट कर रहा हूँ। ओके सो यहाँ से आई थिंक अनदर 130 किलोमीटर्स कुछ होगा टू कोटगिरी। सो वी हैव पार्क्ड आवर बाइक्स देयर, तीनों बाइक वहाँ पे खड़े हैं, एकदम मतलब सेक्सी लग रहा है, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड।